पोषण आहार के प्रति जागरूकता को लेकर पूरे प्रदेश में 30 सितंबर तक पोषण माह मनाया जा रहा है। इस माह के दौरान माताओं और बच्चों को पोषण आहार के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। यूनिसेफ और मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग के साथ मिलकर पोषण माह मनाया जाता है, जिससे गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता अभियान चलाकर स्वस्थ रहने की सलाह दी जा रही है। यूनिसेफ की पोषण आहार विशेषज्ञ पुष्पा अवस्थी ने बताया कि समय समय पर टीके और कृमिनाशक दवाई लेना क्यों आवश्यक है। एक सामान्य गर्भवती माता को जो है ये जरूरी है कि दिन भर में कम से कम 4 से 5 बार अतिरिक्त आहार का सेवन करें। साथ ही ये भी जरूरी है कि जो सरकारी जो तंत्र है उससे जो उन्हें मिलते हैं स्वास्थ्य विभाग से, विशेषकर फॉलिक एसिड की गोली पहले 3 माह के लिए उसका सेवन वो जरूर करें। 3 माह के पश्चात उन्हें अल्बेंडाजॉल या कृमिनाशन के लिए एक गोली दी जाती है, अल्बेंडाजॉल की गोली, वो उसका सेवन करें। तथा 3 माह के पश्चात मतलब 4थे माह से आयरन फॉलिक एसिड की जो एक गोली रोज नियमित सेवन करना है उन्हें अगले डिलीवरी होने तक, और साथ ही कैल्शियम की 2 गोलियों का सेवन उन्हें करना है। ये इस बात का विशेष ध्यान रखें जो आहार की थाली गर्भवती महिला की हो वो रंग बिरंगी हो, कम से कम 4 से 5 भोज समूह उसमें शामिल हो, मतलब हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पीले नारंगी फल सब्जियों को जरूर उसमें शामिल करें, दाल उसमें ज़रूर शामिल हो, और दूध से बनी चीज़ों को शामिल करेंगे तो ये बहुत ही उत्तम होगा। जो लोग अगर नॉनवेज खाते हैं तो वो अपने आहार में उसको भी शामिल करें, वो एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। साथ ही उसमें जो उपलब्ध आयरन है वो हमारे शरीर को सीधे सीधे मिलता है तो वो उसके लिए मददगार साबित हो सकता है। ज़रूरी है कि वो कम से कम 4 स्वास्थ्य जाँच करें, और जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो सेकेंड और तीसरी तिमाही में आने वाली गर्भवती महिलाएँ हैं उनका स्वास्थ्य केंद्र में जाके जो जांच है वो जरूर करवाएं। अगर आप गर्भवती महिला को हर महीने आंगनवाड़ी केंद्र पर वजन करने के लिए भेजेंगे तो वहाँ पर पिछले माह के वजन से इस माह के वजन को हटाकर ये पता लगाया जा सकता है कि गर्भवती महिला का वजन ठीक से बढ़ रहा है, क्योंकि गर्भवती महिला का वजन बढ़ने का मतलब है बच्चा सही से बढ़ रहा है।